हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी क्लास थर्ड जीके यूनिट 3 चैप्टर 2 आवर नेशनल पार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज एन एरिया ऑफ कंट्री साइड और ओकेजनली सी और फ्रेश वाटर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। दैट मीन्स कि राष्ट्रीय उद्यान वो जगह होती है जहाँ पे ये फ्रेश वाटर सीज के आसपास की जगह ऐसी जगह होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में होती है और जनरल पब्लिक के लिए होती है कि वो वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर सकते हैं, कुछ रेस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे बिताए और उसके साथ ऐसी जगहों पे एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है। सो लेट्स रीड द चैप्टर। मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज आर फेसिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन दैट मीन्स आर विच आर रीड टू, इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो विलुप्त होने की कगार पे, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, ऐसी स्पीशीज हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड मैनी आर अंडर थ्रीट ऑफ एक्सटेंशन। दैट मीन्स कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जो अब विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। सेकेंड, इन 1936 हैले नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। प्लीज अंडरलाइन इट, 1936 में हैले नेशनल पार्क को इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क अज्यूम किया गया था। दिस नेशनल पार्क इज नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसे ही क्या आज के डेट में बोलते हैं, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज हेमिस नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया स्प्रेडिंग अक्रॉस 4400 स्क्वायर किलोमीटर। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जो 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। इट इज़ ऑल्सो द नेशनल पार्क लोकेटेड इन द हाइएस्ट आल्टीट्यूड, और ये वो ऐसा भी नेशनल पार्क है जो हाइएस्ट आल्टीट्यूड पे ये प्रेजेंट है। अनदर वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड केवलादेई नेशनल पार्क आर द 3 नेशनल पार्क्स इन द इंडिया दैट वर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। मीन्स यूनेस्को की वजह से, यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बताया गया है कि ये जो 3 नेशनल पार्क्स है, काजीरंगा, मानस और केवलादेई, इसको केवलादेई भी बोलते हैं, केवलादेव भी बोलते हैं, तो ये 3 नेशनल पार्क जो है इन्हें डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, अब यहाँ पे है, मैनी ऑफ आवर एनिमल फ्रेंड्स लिव इन नेशनल पार्क्स। बहुत सारे हमारे एनिमल फ्रेंड्स जो हैं, टाइगर, राइनोस, राइनोसेरस बर्ड्स हैं, एनिमल स्मॉल एंड बिग एनिमल्स हैं, टाइगर है, लॉयन है, एक्सेट्रा, ये सब नेशनल पार्क्स में ही लिव करते हैं। मिंकू मेड अ लिस्ट ऑफ द नेम। हु इज मिंकू? दैट गर्ल इज मिंकू। ओके, ये लिस्ट बनाइए, इसे एक्सरसाइज को भी करते हैं और ये लाइंस भी रीड करते हैं। मिंकू मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इंडिया एंड द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। दैट मीन्स यहाँ पे नेशनल पार्क और सेंचुरीज का नेम है और यहाँ पे स्टेट का नेम है जहाँ पे ये पार्क और सेंचुरीज हैं। बट द नेम ऑफ द नेशनल पार्क एंड द स्टेट गॉट जम्बल्ड। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं जम्बल्ड हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। हेल्प मिंकू मैच द 2 कॉलम्स। अब इस गर्ल की हेल्प करनी है जो ये मैच करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉलम ए में फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अभी हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पढ़े हैं, ये कहाँ है? उत्तराखंड। यहाँ पे आई है, इसके सामने हम लिखेंगे 1। आप चाहो तो स्केल से यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बट इज़ नॉट इन अ गुड सेंस, और सारी लाइन्स मैच हो जाएंगी तो आपको पढ़ने में, समझने में ईजी नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1। मैच करेंगे तो उत्तराखंड के सामने 1। देन सेकेंड इज पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरला। यहाँ पे लिखेंगे 2। धाचीगम नेशनल पार्क, इसको धाचीगम भी बोला जाता है नेशनल पार्क, 3। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर।
नेक्स्ट इज फोर्थ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ये कहाँ है? असम। ओके नेक्स्ट वन इज नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सिक्स कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। केवलादेई घाना नेशनल पार्क। केवलादेई घाना नेशनल पार्क इसे हम भरतपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं। याद रखिएगा केवलादेई घाना नेशनल पार्क को भरतपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं जो कि राजस्थान में है। एंड नागरहोल और एंड बांदीपुर नेशनल पार्क लास्ट बच गया आपका जी कर्नाटका में है ये, तो ये लिखेंगे हम 9। ओके आई होप ये सारे नेशनल पार्क के नेम आपको समझ में आ गए होंगे, उसके कॉलम से स्टेट से रिलेटेड स्टेट से मैच भी आपने कर लिया होगा। आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है, हम नेक्स्ट क्लास में अपने फिर मिलेंगे। थैंक यू।